दोस्तों इस वीडियो में आज देखेंगे कि IDFC फर्स्ट बैंक का मोबाइल एप्लीकेशन रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वीडियो। तो यहाँ पे पहले हमने IDFC की मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए आपकी स्क्रीन दिख रही है, इसमें पहले डिवाइस के लिए परमिशंस मांग रहा है, आपको अलाउ करना है। नीचे क्रिएट यूज़र नेम है, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपका जो कस्टमर आईडी होता है उसको आपको फिल करना है। कस्टमर आईडी फिल करना है ऊपर, और नीचे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो भी आपको बैंक में आपने दिया है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके पास दो प्रोविज़न है, अकाउंट और डेबिट कार्ड। तो मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर करने के प्रोविज़न में क्लिक करूँगा। अकाउंट नंबर को यहाँ पर मैंने एंटर किया और उसके बाद नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसको एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ पे यूज़र नेम जो आप चाहते हैं उसको एंटर कीजिए, और नीचे जो पासवर्ड है उसको आप एंटर कीजिए। पासवर्ड को एक बार दोबारा एंटर करना पड़ेगा कंफर्म करने के लिए, और पासवर्ड जो है वो अल्फा न्यूमरिक विद स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। फिर इसके बाद कन्फर्म के बटन पर आप क्लिक कर दें। इसके बाद आप जो है अपना MPIN सेट कर सकते हैं। MPIN सेट करने के लिए यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करना होगा। जो आपका MPIN होगा 4 डिजिट का कोई भी MPIN होगा, जिससे कि इजीली आप खोल पाएंगे उसे मोबाइल एप्लीकेशन को, अन्यथा वो बहुत लंबा पासवर्ड डालना पड़ता है बार बार। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फिर एक OTP आएगा रजिस्टर्ड नंबर पे, उसको एंटर कीजिए। 4 डिजिट का अपना MPIN यहाँ पे एंटर कीजिए, उसको री एंटर कीजिए कन्फर्म करने के लिए। इसके बाद आपकी जो फिंगरप्रिंट इनेबल करने के लिए अनेबल नाउ पे क्लिक कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सेटअप पूरा हो चुका है, कंटिन्यू टू लॉगिन। फिर यहाँ पे अपनी फिंगरप्रिंट को पुट कीजिए। आपका जो डैशबोर्ड है, वो ओपन हो गया है आपके एप्लीकेशन का। इसके बाद आप इसको जाके लॉगआउट कर सकते हैं।